हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक इन फाइनेंस। बात करेंगे कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए फॉर स्टॉक्स, और उससे पहले टुडे स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। गाइस, आप अगर आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस नहीं देखे तो सिंपल आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। आज की ट्रेडिंग डे में 20,000 की प्रॉफिट हुआ, कोडक बैंक एंड बीएल में मैंने पोजीशंस बनाया था, तो वीडियो आप जरूर देख सकते हो। और गाइस, आज की जो प्राइम टेलीग्राम में जो अपडेट हुआ था यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि, और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर हमारे इस प्राइम टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपल आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरोधा आप स्टॉक्स फायर्स एंड फाइव पैसा में आप अकाउंट ओपन करके फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आते हैं कि सर मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी ओपन है जीरोधा में, तो जो अकाउंट है वो आपके अंडर कैसे मैप कर सकता हूँ। तो गाइस उनके लिए सिंपल आप जीरोधा को रिक्वेस्ट कर सकते हो। और उससे पहले गाइस एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर ले, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अदरवाइज मैंने और एक ऑप्शन रखा है कि आपको ज्वाइन होना ही है हमारे इस प्राइम टेलीग्राम में, तो 1000 पे करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार हमारे अंडर अकाउंट ओपन कर ले, और उस अकाउंट के साथ जब तक ट्रेडिंग करेंगे तब तक आप फ्री में हमारे प्राइम टेलीग्राम में ऐड रहेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए फोर स्टॉक, और उससे पहले निफ्टी पर व्यू क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहां पे देख सकते हो निफ्टी बिल्कुल 600 के नीचे, मतलब 600 पे क्लोज दिए हैं। कल मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा डेटा के हिसाब से, तो यहां पे मैंने कॉल एंड पुट जो राइटिंग किए गए हैं उनको देखते हैं। यहां पे मैंने दो लेवल्स फाइंड आउट किया हूं, ठीक है। निफ्टी अगर 600 के नीचे ओपन होकर कुछ देर तक सस्टेन करे तो नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल ऊपर की तरफ जो एसएल रहेगा वो 650 रहेगा एसएल, ठीक है 650। लेकिन आपको 650 के ऊपर बाय नहीं करना है, 650 एसएल के लिए आप यहां पे मेंटेन कर सकते हो। एंड टारगेट रहेगा बिल्कुल यहां पे 70-80 पॉइंट आप अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा हर्डल है, 500 की स्टेक प्राइस पर पुट शॉर्ट किए गए, तो एक छोटा सा हर्डल है, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और गाइस ऊपर की तरफ आप अगर बाय करना चाहते हैं, बाय तभी करना है जब 700 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करे, तभी आप निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू ले आ सकते हैं और बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। ये रहे निफ्टी पर व्यू। आप बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो इस हमारे पास जो पहला स्टॉक्स है वो है HDFC। इनकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है बिल्कुल पॉजिटिव है, और आज भी इन स्टॉक्स में अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। जहां से ओपन हुआ वही उनका लो था और ऊपर में आके क्लोज दिए गए इस अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। तो HDFC स्टॉक्स को अपने रेडर में रख सकते हो। HDFC बाय 2340, SL 2320 एंड टारगेट 2365 एंड फाइनल टारगेट 2377 के लिए अपने रेडर में HDFC को रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है गाइस फेडरल बैंक में लास्ट दो दिन से अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला, और आज की ट्रेडिंग सेशन में एक जो सपोर्ट था उनको ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ आके क्लोज दिए हैं। तो इन स्टॉक्स को अपने रेडर में रखें, कल भी उम्मीद है इन स्टॉक्स नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक और मार्केट भी साथ दे तो सिंपल गाइस इन स्टॉक्स को अपने रेडर में रखें। सेल करना है फेडरल बैंक को 99 पे मौजूदा स्तर से, एसएल मेंटेन करना है 101.2, टारगेट 96.94 के लिए अपने रेडर में फेडरल बैंक को रख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है मारुति। यहां पे देख सकते हो इनकी जो शॉर्ट टर्म चार्ट है तो बिल्कुल नेगेटिव है, और गाइस यहाँ पे एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज प्रीसीडिंग रिलेटिव जो लो था उनको ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ क्लोज दी है मारुति। मारुति को अपने रडार में जरूर रखें। मारुति को सेल करना है 5870 एंड SL 5927 एंड टारगेट 58012, फाइनल टारगेट 5760 के लिए अपने रडार में मारुति को रख सकते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल जो स्टॉक्स है वो है M&M। गाइस M&M को अपने रडार में जरूर रखें। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे जो एक सपोर्ट था उनको ब्रेकआउट करते हुए बिल्कुल डेज की लोएस्ट स्तर पर आके क्लोज दी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को सेल करना है 598 मौजूदा स्तर से, गाइस आप सेल कर सकते हो। एसएल मेंटेन करना है 605.4 एंड टारगेट 591 एंड फाइनल टारगेट 587 के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपने रेडर में रख सकते हो। तो गाइस ये रहे फॉर स्टॉक्स। डिस्क्लेमर ये है, यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉक्स अपडेट होते हैं हमारे टेलीग्राम या फिर हमारे यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट में ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप अपनी ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें, अपनी ट्रेडिंग की रिस्क बिल्कुल आपकी है। और अगर आपको हमारे इस प्राइम टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप सिंपल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके। जीरोधा आप स्टॉक्स फायर्स में आप अकाउंट ओपन करके फ्री में हमारे इस प्राइम टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, अभी आप स्टॉक्स फायर्स एंड फाइव पैसा में बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के थ्रू आप फ्री में अकाउंट ओपन करें और देन
आप मुझे WhatsApp करें अकाउंट एक्टिवेशन के बाद WhatsApp करें, अपना क्लाइंट आईडी प्रोवाइड करें, तब मैं चेक करके आपको ऐड कर पाऊंगा। जीरो और गाइस, जीरो ने मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है कि सर ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपके अंडर अकाउंट ओपन किया हूं। तो गाइस इस तरह ज्वाइन नहीं होंगे, आप पहले मुझे WhatsApp करें, WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अपना जो क्लाइंट कोड है वो मुझे शेयर करें WhatsApp में, तब मैं चेक कर पाऊंगा और फिर चेक करके आपको ऐड कर पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इसको लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।